भ्रामक प्रोग्राम वायरल रहने से प्रथम पाली में परीक्षा से वंचित रहे कई छात्र छात्राएं। मदन अहल्या महिला महाविद्यालय में परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। परीक्षा प्रोग्राम की भ्रामक सूचना वायरल रहने और महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को सही परीक्षा प्रोग्राम उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण नवगछिया के मदन अहल्या महिला महाविद्यालय और जीबी कॉलेज के परीक्षा सेंटर पर कई छात्र छात्राओं की परीक्षा छूट गई। मदन अहल्या महिला महाविद्यालय में परीक्षा से वंचित रहे छात्र छात्राओं ने इस बाबत प्रदर्शन किया और महाविद्यालय को माध्यम बनाकर विश्वविद्यालय से पुनः परीक्षा लेने की मांग की है। मालूम हो कि शुक्रवार को ग्रुप एफ के परीक्षार्थियों की अर्थशास्त्र और अंग्रेजी ऑनर्स की परीक्षा प्रथम पाली में होनी थी, लेकिन दोनों सेंटर्स पर उपरोक्त विषयों के छात्र दूसरी पाली में परीक्षा देने पहुंचे थे। छात्रों ने बताया कि सोशल मीडिया में एक परीक्षा प्रोग्राम वायरल था, जिसके आधार पर वे लोग दूसरी पाली में परीक्षा देने आए, लेकिन यहां बोला गया कि परीक्षा प्रथम पाली में ही संपन्न हो गई है। छात्र छात्राओं ने बताया कि वे लोग जब एडमिट कार्ड लेने के लिए महाविद्यालय गए थे तो उस समय भी उन लोगों को गलत परीक्षा प्रोग्राम वायरल होने की कोई सूचना नहीं दी गई थी। छात्र छात्राएं राजा, विशाल कुमार, अंकित कुमार, सोनी कुमारी, रूबी कुमारी, सावन कुमार, बबली राय, विकास कुमार, उज्जवल झा, उत्तम कुमार, निशांत कुमार, गौतम कुमार, अंकुश, अंकित कुमार, निशांत कुमार, गौरव कुमार आदि ने कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण उन लोगों की परीक्षा छूट गई। अगर पुनः परीक्षा नहीं ली गई तो उन लोगों का एक वर्ष बर्बाद हो जाएगा। छात्र छात्राओं ने कहा कि अगर उन लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे लोग आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। कहती हैं प्राचार्य। मदन अहल्या महिला महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सुदामा यादव ने कहा कि महाविद्यालय द्वारा सही परीक्षा प्रोग्राम सूचना पट पर चिपकाया गया था। अब छात्र छात्राएं किस प्रोग्राम को देखकर परीक्षा देने आ गए इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मामले से विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा। किसी न किसी रूटीन के तहत ही फर्स्ट सीटिंग में हुआ होगा, रूटीन से हटके नहीं हुआ होगा। ये अलग बात है कि चाहे जिस कारण से आप लोग की जानकारी नहीं मिली, जानकारी मिलनी चाहिए। तो इसका विकल्प तो यही है, परीक्षा को निर्बाध रूप से आप लोग चलने दें। मामला ये है कि एग्जाम हम लोग का छूट गया है। क्या है, किस कारण? हम लोग का फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम था और ये बोल रहे हैं सेकंड सीटिंग में। कौन बोल रहे हैं? सेकंड में था फर्स्ट, जो ले लिया एग्जाम। रिकॉर्ड लगा बाबा फरेश बोल, फरियाद बोला फरेश, मॉक अटैक बोले। फर्स्ट में जो है सेकंड सीटिंग में एग्जाम होना था हम लोग का, पर ये फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम ले लिया गया है। और जब हम लोग क्या इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का, इंग्लिश का इकोनॉमिक्स ऑनर है। कब ये डाटा आया आपके पास? क्या दो तीन दिन पहले स्कूल आने के बाद ये अभी वाला तो अभी यहाँ पे स्कूल से मिल रहा है हम लोग को, यहाँ सेंटर पर से। पहले दो तीन दिन पहले हम लोग को मिला रूटीन। रूटीन क्या था आज का? आज का एग्जाम होना था हम लोग का सेकंड सीटिंग का। इंग्लिश का होना था, हो गया है फर्स्ट पाली में। क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार। शेड्यूल गलत होने के कारण हम लोगों का एग्जाम छूट गया। हम लोगों का सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होना था, लेकिन ले लिया गया फर्स्ट सिटिंग में। जब वो कंट्रोलर से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि आपको जो एडमिट कार्ड मिला है या जो भी शेड्यूल आपके पास है वो गलत है, वो वायरल होने की वजह से है, वो वेबसाइट का नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने कॉलेज में जब एडमिट कार्ड मतलब लेने गए तो वहाँ से हम लोगों को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि आप लोगों का मतलब ऐसा कुछ वायरल हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी एग्जाम सेंटर पहुँचे हैं तब पता चलेगा है कि हम लोगों का एग्जाम हो चुका है और हम लोगों को एग्जाम देने नहीं दिया गया। तो हम लोग इनका सोल्यूशन चाहते हैं कि हम लोगों को मतलब एग्जाम हम लोग का और भी सब्जेक्ट का हो जाए, उसके बाद ये भी छूटे हुए सब्जेक्ट का एग्जाम का डेट निकाला जाए और लिया जाए। आज कौन सब्जेक्ट था? आज ऑनर्स का था, इंग्लिश ऑनर्स। इकोनॉमिक्स हाँ, ग्रुप एफ में जो भी। कहाँ पे है सेंटर? यही मदन, मदन है। कौन कॉलेज से स्टूडेंट? बीएलएस। अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं बाहर में, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा एग्जाम छूट गया फर्स्ट पाली होने की वजह से सेकंड पाली छूट गया। वो तो छूट गया ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इन लोगों ने प्रोग्राम सही से नहीं देखा। विश्वविद्यालय ने जो प्रोग्राम निकाला, कंट्रोलर का जिस पर साइन हो उसी को मानना चाहिए। अगर उसको नहीं है, देखता है, नहीं मानता है तो बच्चों की गलती है। आजकल मीडिया पर तो बहुत कुछ आता रहता है, उसको नहीं देखना चाहिए। हम कंट्रोलर का साइन है या नहीं है, विश्वविद्यालय ने क्या निकाला उसको देखना चाहिए। क्या रूटीन जो है मैडम सही है या गलत है बच्चे जो कर रहे हैं? मैं वो नहीं जानती, मेरे पास बिल्कुल सही है। अच्छा, बच्चे कहाँ से लाया क्या मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कॉलेज को जो प्राप्त है बिल्कुल सही है, उसी के अनुसार परीक्षा। आज किस चीज़ का, कब होना था परीक्षा मैम? किस पाली में होना था? फर्स्ट पाली में होना था। कौन सब्जेक्ट का था मैम?
इसमें ग्रुप है, ग्रुप एफ, ग्रुप में बहुत सारे सब्जेक्ट है। पानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747।